वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। यह पॉइंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है डुरंड रेखा। यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसे जो है 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है मैकमोहन रेखा। यह जो है भारत और चीन के बीच है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे जो है चीन स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है रेडक्लिफ रेखा। यह जो भारत तथा पाकिस्तान के जो है बीच है। इसे जो है 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिस रेडक्लिफ द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 17वीं समांतर रेखा। ये जो उत्तरी वियतनाम और जो है दक्षिणी वियतनाम के बीच है, और वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश के दो भागों में जो है बांटती है। नेक्स्ट हमारा है 24वीं समांतर रेखा। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान के अनुसार कक्ष क्षेत्र का यह रेखा जो है सही निर्धारित करती है, लेकिन भारत जो है इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा है 38वीं समांतर रेखा। यह जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के जो है बीच है। यह कोरिया को दो भागों में जो है बांटती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है 49वीं समांतर रेखा। यह अमेरिका और कनाडा के जो है बीच है। अमेरिका तथा कनाडा को यह जो है दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट हमारा है ओडर नास रेखा। यह जो है जर्मनी और पोलैंड के जो है बीच है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसे निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा मैगिनाट रेखा। यह जर्मनी और जो फ्रांस के बीच है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने जो है यह रेखा बनाई थी। नेक्स्ट हमारा है सीजफ्राइडर रेखा। यह जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी ने जो है यह रेखा बनाई थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।